शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। पहला अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 कुल 16,000 रुपया दूंगा लड़ुआ खाने के लिए और घर पे आराम करने के लिए। अरे सेठ कमलनाथ, आपने तो मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ तक छीन लिए, लड्डू छीन लिए, योजना बंद कर दिए, इनको इसलिए मुख्यमंत्री बनाए। हम नंगे भूखे हमने योजना बनाई मुख्यमंत्री कन्यादान, बेटियों की शादी करते थे, गृहस्थी का छोटी गृहस्थी का सामान देते थे, खाते में पैसे डालते थे। ये सेठ कमलनाथ गरज के आए, बोले मैं 54,000 दूंगा, शादी हो गई, फेरे पड़ गए, बेटियां घर पहुंच गई, साल भर हो गया आज तक ढेला नहीं दिया बारे से, हम नंगे हो गए, हमने कह दिया एक्सीडेंट में किसी गरीब की मौत हो जाएगी, उसका परिवार अनाथ न हो जाए, विधवा बहन की जिंदगी आसान करे, और इन्हें 4,00,000 रुपया देने का फैसला। और सेठ कमलनाथ ने मेरी विधवा बहनों के हाथ से वो 4,00,000 रुपया भी छीन लिए, वो योजना भी बंद कर दी। हम नहीं गए भूखे, हमने तय किया सुवासरा वालों, कोई गरीब की मौत होती है तो अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया की राशि देंगे, पंचायत में रखवा दी ताकि अंतिम विदाई तो हम सम्मान के साथ कर सके। अरे सेठ कमलनाथ, तूने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए रे, 5,000 रुपया छीन लिए। हम नंगे भूखे, हमने बुजुर्गों के लिए 3,000,000 योजना बन पाई, तुमने बद्रीनाथ जगन्नाथ पुरी द्वारकापुरी की यात्रा भी कमलनाथ बुजुर्गों से छीन ली। चिंता मत करना बाबाओं दादाओं माताओं, कोरोना खत्म होने दो, मामा फिर से तीर्थ यात्रा करवाएगा, चिंता मत। आज मैं सुभाषरा की सभा में मुझे गाली देने वालों से पूछता हूं, जवाब दो जनता को, ये योजना क्यों तुमने बंद की, काय के लिए रहता हरदीप, गांव पत्थर घाटा के बाद में जाकर क्या करता कांग्रेस पे, कोई क्यों कांग्रेस पे विकास सब योजनाओं पर ताला। और इससे बड़ी बात, तुमने वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, दलालों की मंडी बना दिया,